उज्जैन के भाजपा कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज करने के मामले में भाजपा नेत्री शिशा जोशी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप जमकर वायरल हुआ था, जहां बताया गया था कि यह ऑडियो भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी का है। मामले में संज्ञान लेते हुए श्रेष्ठा को पद से हटा दिया था, साथ ही नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब भी मांगा था। दरअसल भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी का उज्जैन भाजपा मुख्यमंडल उपाध्यक्ष लखन चौहान से फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था। विवाद की शुरुआत फेसबुक पर जातिगत विषय पर चल रही चर्चा के दौरान हुई। इसमें श्रेष्ठा ने कुछ लिखा तो लखन ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। बात इतनी बढ़ गई कि श्रेष्ठा ने किसी व्यक्ति के माध्यम से सीधे लखन को फ़ोन लगाया और लखन को धमकी देते हुए गाली गलौज की। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद श्रेष्ठा ने अपने पोस्ट को हटा भी दिया। मामले में लखन के साथ साथ कुछ लोगों ने बाद में मारपीट भी की थी। इसके बाद लखन ने IG व SP को शिकायत की थी, जहाँ उज्जैन रेंज के IG ने मामले में जाँच के आदेश दिए थे, जहाँ अजाक थाना पुलिस ने श्रेष्ठा जोशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जी और निवासी भैरवगढ़ इनके द्वारा जो एक आवेदन पत्र जो है वरिष्ठ कार्यालय से आया हुआ था जांच के लिए, और उसमें वीडियो वगैरह जो है ऑडियो वीडियो और जो है दस्तावेज लगे हुए थे। उनके द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया था श्रेष्ठा जोशी द्वारा जो है अश्लील टिप्पणियाँ करके उनको अश्लील गालियाँ दी गई हैं, जिस पर से जो है AJ के थाना के अधिकारी मैंने जाँच करी है और जाँच पर से जो है इसमें उनके विरुद्ध जो है अपराध सिद्ध पाया गया, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कल किया गया है। इसमें 294/506 IPC की है, 3(1)U और 3(1)B महान पुरुषों के विरुद्ध तीखी टिप्पणी करना, जान से मारने की धमकी, 294 अश्लील गालियां देना और एट्रोसिटी एक्ट के तहत इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है। अभी चूंकि विवेचना हो रही है, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, आवेदक के आज मैं ले जाके कार्रवाई करूँगी और जो से वो दस्तावेज पेश करते हैं उसी हिसाब से फिर प्रकरण और सिद्ध पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।